भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुए पहले टेस्ट मैच का पहला दिन बिल्कुल भी दोनों ही टीमों के फेवर में अभी तक जाता नजर नहीं आया। हालांकि भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत लगभग 270 के पार पहुंच चुका है और भारत ने महज अपनी 5 विकेटें गंवाई हैं। इस बीच भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने अर्धशतक के बेहद करीब हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्का जड़ा है। जिस अंदाज से बल्लेबाजी ऋषभ पंत कर रहे हैं, इस लिहाज से ये तो तय है कि भारत एक बड़े स्कोर की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर श्रीलंका की गेंदबाजी की बात की जाए तो श्रीलंकाई टीम ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिसमें सुरंगा लकमल 13 और 1 मैडन 49 रन, कोई सफलता नहीं। विश्वा फर्नांडो 13 और 1 मैडन 56 रन 1 विकेट, लहिरू कुमारा 11 ओवर 52 रन 1 विकेट, लसित मिलदेनिया 25 ओवर 2 मैडन 78 रन 2 विकेट, 8 ओवर धनंजय डिसिल्वा ने किए 20 रन 1 विकेटें, चरित असलंका 3 ओवर 1 मैडन 14 रन, कोई सफलता नहीं अभी तक। जबरदस्त तरीके की गेंदबाजी करने की पूरी कोशिश की है। मुलदेनिया काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मयंक अग्रवाल का विकेट उन्होंने चटकाया, विराट कोहली का विकेट उन्होंने निकाला और इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि कोशिश उनकी यही है कि जल्द से जल्द एक और विकेट जो है वो हासिल की जाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की यदि बात की जाए तो भारत धीरे धीरे एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत के बीच एक अच्छी साझेदारी अब पनपती हुई फिलहाल नजर आ रही है। दोनों के बीच अभी तक यहां पर करीब 42 रनों की साझेदारी हो गई है और इस साझेदारी के दम पर भारतीय टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंचने की पूरी पूरी संभावनाएं दिखाती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में उनका जो प्रदर्शन था पिछले साल, उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। तीनों ही फॉर्मेट में भारत के एक रेगुलर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। खासतौर पर टेस्ट फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं है। आज नंबर 5 पर उन्हें बैटिंग करने भेजा गया और जिस अंदाज की वो बैटिंग कर रहे हैं वो भी वाकई में काबिले तारीफ है। स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर हैं, लंबी लंबी शॉटें लगाते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है इस तरीके की पिचिंग कंडीशंस पर। और एक बेहतरीन अर्धशतक उन्होंने 73 गेंदों में पूरा कर लिया है और इसी के साथ भारतीय टीम 273 रनों पर पहुंच गई और ज़बरदस्त बल्लेबाजी यहां पर अभी तक हुई है और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ज़्यादा गेंदें भी नहीं ली हैं ऋषभ पंत ने और अपनी शॉटों से सभी का दिल जीत लिया है। गगनचुंबी छक्का लगाया था जैसे ही बल्लेबाजी करने आए थे और अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने बताया कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। 8वां अर्धशतक है उनके करियर का। वहीं रविंद्र जडेजा भी उनका साथ बखूबी निभा रहे हैं। भारतीय बैटिंग लाइनअप में वो जान है कि भारत एक बड़े स्कोर तक पहुंच सकता है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।